तस्वीरें करनाल के बस स्टैंड पर, पुराने बस स्टैंड पर किस प्रकार से पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो हैं वो इस प्रकार के डंडे लेकर, भिंडे लेकर जो है वो बस स्टैंड पर आते हैं और इनको जो है बस स्टैंड के जो कर्मचारी उन्होंने ही पकड़ा और उसके बाद उन लोगों से ये छीना है। आपने छीना इनसे? नहीं, भाग गए थे वो उसके साथ हाथापाई करके। किसके साथ? कोई आईटीआई का लड़का था। कहाँ है वो लड़का? पता नहीं, यही था लड़का, वो यही था। मारा पीटा उसको? डंडों से मारा? डंडों से मारे। कितने लड़के थे वो? क्या पता, हम तो आवाज रुक कर रोड़ा सुन के इतने भाग गए। वो आईटीआई के थे? यही है वो लड़का जिसके लगे है। देख सकते हैं लड़का भी कह रहे हैं यहीं पर है जिसको डंडे मारे हुए हैं। ये वो लड़के हैं शायद जिनको, किसको मारा है? नहीं मारा किसको? आप आईटीआई में पढ़ने वाले हो, यहाँ क्या करने आए हो? जन्मदिन मनाने आए थे। जन्मदिन मनाने आए थे यहाँ पर? तो जन्मदिन मनाने के लिए बस स्टैंड पे कैसे आए हो? ये देखिए एक और डंडा, ये कहाँ से लिया? ये कहाँ? ये डंडे लेकर आए हैं लड़के? आपको क्या लगता है यहाँ पर केवल ये पढ़ने लिखने आते हैं क्या? पूरा लठ बजा दिन रात काम हो रहा है इनका, डेली के डेली लटाई। पढ़ने वाले बच्चे थे आईटीआई में? और वर्दी पहन रहे पढ़ने वाले सारे आईटीआई के बच्चे। पढ़ाई करने तो नहीं आ रहे इसका मतलब? ये लोग पढ़ने वाले थे एक तो ही आवा, पढ़ने वाले थे एक तो ही आवा। देख सकते हैं काफी बच्चे जो हालांकि यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं लेकिन उसके बावजूद ये डंडे लेकर जो है वो यहाँ पर क्या करने के लिए आते हैं, ये बड़ा सवाल है किस प्रकार से। हाँ जी, डंडे लगवा जने और कितने लड़के थे? 15-16 जने थे जी। 15-16 लड़के भाग गए देर में, वो एक छोरे का मार गए, मेरे मार गए, उसके चेहरे का लट लुट। कहाँ है वो लड़का? कहाँ जिसको मारा? अभी गया, बाहर गया। वो भी आईटीआई का, वो भी आईटीआई के दिखा। बता रहे जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ पर आए थे, कुछ लड़के भी आईटीआई के खड़े थे, कह रहे जन्मदिन जन्मदिन ही बना हो रहा तो ऐसे ही बना, ऐसे ही बना दिया तो हैप्पी बर्थडे कर गया लेते में। और केक बता रहे हैं, केक यहाँ पर जरूर काट दिया गया। आपके सामने मारा था? नहीं है क्या यहाँ पर? यही सब होता है यहाँ पर? डेली चलता है यहाँ पर, पुलिस पुलिस नहीं आती यहाँ? 9 बजे का टाइम है जी, आईटीआई का 9 बजे का टाइम है और सारा दिन आवारागर्दी चलते रहते हैं। बच्चे आवारागर्दी केवल करने आते हैं और ये आईटीआई के ही बच्चे हैं जो ये काम करते हैं? आईटीआई को नहीं मारा जी, आईटीआई सुरक्षा दिया जी। गाँव से यहाँ पढ़ने लिखने नहीं आते, झगड़ा करने आते हैं ये लोग जी, हर एक डेली का काम है जी। ये देखिए बता रहे हैं और भिंडे पड़े हैं यहाँ पर, और ये देखिए ये देखिए यही है वो डंडे, यही है वो डंडे जिनको लड़के लेकर जो है वो आए थे और बस के जितने प्राइवेट रोडर्स वाले इन्होंने ये डंडे छीने और एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। करनाल के बस स्टैंड पर किस प्रकार का ये काम चलता है आखिर, कौन जवाब देगा? हालांकि बस स्टैंड के अंदर ही पुलिस चौकी भी है लेकिन शायद लड़कों को डर खत्म हो गया। भाई साहब क्या लगता है, पुलिस चौकी भी है, डर नहीं है लड़कों को? किसी को डर नहीं भाई साहब, पुलिस वाले क्या करे, तुम देर में काम करके चले जाओ। ये पहली बिल्डिंग ला कर इतना पुलिस आओ, इतने में तो पूरी प्लानिंग से आते हैं, पूरी प्लानिंग हुई रहा, इतने में तो यहाँ भाग गया पुलिस वाले, वहाँ ये साफ हो गए। पुलिस वाले क्या करेंगे बेचारे, एक दिन में 25 जने बैठे होंगे अंदर वेटिंग हॉल है, जब लड़के लड़कियां सारे वहीं वहीं थे शुरू हुआ। ये आईटीआई के बच्चे होते हैं अंदर भी? बच्चे हो रहे सुबह तो कम से कम 150 बालक हुआ बस। 9 बजे कह रहे हैं, सुबह 9 बजे की इनकी टाइमिंग है, 9 बजे इकट्ठे हो जाते हैं ये लोग यहाँ? यहाँ तो जी इतने हो जाए, आप सुबह आकर देखिए यहाँ लाठी बजा, यहाँ और कुछ नहीं होता। कल परसों भी यहाँ चक्कू चले, रोज रोज काम हो रहा है डेली, कोई यहाँ चोरी होगा रोड़ा पावा कभी कुछ पावा, ये चक्कर हो रहा है बस स्टैंड का लड़का। हालांकि देख सकते हैं यहाँ पर जो चौकी इंचार्ज है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, सुरेश जी चौकी इंचार्ज जो है वो भी यहाँ पर आ चुके हैं और पुलिस को लोगों के द्वारा अब शिकायत भी यहाँ पर दी जा रही है किस प्रकार से यहाँ पर डेली के डेली लठ जो है वो बसते हैं और अब पुलिस को यहाँ पर शिकायत जो है वो जरूर दी जा रही है और पुलिस मौके पर पहुंची है। एक लड़के को बहुत बुरी तरीके से लाठी डंडों के साथ मारा गया, हालांकि ये कहा जा रहा था केक काटने के लिए आए थे, जन्मदिन मनाने के लिए आए थे लेकिन जन्मदिन ही ऐसा कैसा मनाया गया शायद ये समझ से परे है। सर क्या लगता है आपको, कौन लड़के हैं कह रहे जन्मदिन मनाने आए थे यहाँ पर? हमारे को सूचना मिली तुरंत, हम मौके पर पहुंचे, हमारे को पता लगा कि कोई बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले जो यहाँ पर, उनकी आपस में कोई कहा सुनी और इस बारे में किसी ने कोई कंप्लेन नहीं दी ना हमारे को कोई मौके पे यहाँ बच्चा मिले। एक लड़के को कह रहे थे बहुत बुरी तरीके से डंडों से मारा पीटा गया, हमारे को अभी कोई कंप्लेन नहीं मिली।